चेहरे के योग। आजकल आपने देखा ही होगा कि सभी अपने चेहरे को लेकर बहुत परेशान होते हैं, खासकर महिलाएं। अपना चेहरा अच्छा दिखाने के लिए कितना कुछ करती हैं, जैसे कि कुछ महिलाएं हल्दी का पेस्ट चेहरे पर लगाकर अपने चेहरे को स्वच्छ रखती हैं, तो कोई फेशियल क्रीम लगाकर स्वच्छ रखती हैं। परंतु उपायों की ओर जाने से पहले हमें त्वचा की समस्याओं के बारे में जानना होगा, जैसे झुर्रियां और काले धब्बे आदि के कारण। इन सब को सही रखने के लिए फेस योग बहुत ज़रूरी है। फेस योगा अपने से चेहरे में रक्त संचार बेहतर होता है और इससे आपके चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और उनमें कसाव भी आता है। साथ ही चेहरा खिला खिला रहता है और त्वचा पर बढ़ती उम्र का असर भी कम हो जाते हैं। चेहरे की चमक और स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए कुछ योग उपाय इस प्रकार हैं। सिंह मुद्रा। सबसे पहले जमीन पर सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख कर अपने मुंह को अच्छे से खोलें और अपनी जीभ को बाहर नीचे की तरफ लाएं। इसके बाद चेहरे की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए जीभ निकालकर शेर की तरह दहाड़ लगाएं। जैसे शेर दहाड़ लगाते वक्त मुंह को खोलता है, इसी अवस्था में कुछ मिनट रहने के बाद धीरे धीरे सामान्य हो जाएं और नियमित रूप से इसका अभ्यास करते रहें। सिंह मुद्रा योग के फायदे। सिंह मुद्रा से आपके चेहरे की सभी मांसपेशियों में कसावट आ जाती है। यह चेहरे के लिए सबसे अच्छे आसनों में से एक है। शरीर के विभिन्न भागों जैसे चेहरा, आंख, कान, जीभ, गले, छाती और अंगुलियों को भी लाभ मिलता है। जीभ बाधा योग। सबसे पहले जमीन पर एक मैट या साफ चादर बिछा लें। उसके बाद आप पद्मासन या सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। इसके बाद आँखों को बंद करके अपने मुंह को खोलें और अपनी जीभ को तालू पर लगा लें। फिर अपने जीभ को आप जितने खिंचाव के साथ तालू पर चिपकाएंगे, उतना ही प्रभाव आपके चेहरे की मांसपेशियों पर पड़ेगा। जीभ को तालू पर थोड़ी देर तक चिपका कर रखें और फिर मूल अवस्था में आ जाएं। उसके बाद कुछ सेकंड का आराम करें और 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस योग को करते वक्त सामान्य तरीके से सांस लेते रहें और यह फेस योग आप रोजाना सुबह करें। आपके फेस के लिए यह योग बहुत फायदेमंद है। जीभ बाधा योग के फायदे। जीभ बाधा योग करने से चेहरे की मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य करती हैं, साथ ही जबड़े का आकार भी सही बना रहता है। यह फेस योग आपके जबड़े को आकार देता है और आपके चेहरे की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है। जालंधर बंद चिन लॉक। सबसे पहले जमीन पर मैट या चादर बिछाकर पद्मासन या सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं और खुद को रिलैक्स करने के लिए गहरी सांस लेकर छोड़ दें। इसके बाद अपने शरीर को सीधा रखें और हथेलियों को घुटनों पर रखकर कोहनियों को सीधा रखें। फिर लंबी गहरी सांस लेकर कंधों को ऊपर की ओर उठाएं। इसके बाद पीठ को सीधा रखते हुए शरीर को हल्का सा आगे की ओर झुकाएं। अब गर्दन को आगे की ओर रखते हुए ठोड़ी को छाती पर टिकाकर बंद लगाएं।
उसके कुछ सेकंड इसी अवस्था में सांस रोककर रहें, फिर मूल अवस्था में धीरे धीरे लौट आएं। इस प्रक्रिया को 2 से 4 बार करें। जालंधर बंद के फायदे। जालंधर बंद गर्दन की मांसपेशियों में रक्त संचार सही ढंग से होने लगता है। इसे नियमित रूप से करने से हमारे सिर, मस्तिष्क, आँख, नाक आदि का संचालन नियंत्रित रहता है। इस योगासन से डबल चिन वाले लोगों को काफ़ी लाभ हो सकता है। फिश फेस। पहले आप योग मैट या चादर पर पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं, फिर आँखों को बंद कर लें। अब अपने गालों और होठों को अंदर की ओर चूसें और मछली की तरह अपने मुंह को आकार दें। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए ऐसे करें और फिर मुस्कुराएं। इस योग प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। फिश फेस योग के फायदे। यह योग आपके चेहरे की बनावट को सही करता है और चेहरे की मांसपेशियों की कार्य प्रणाली में सुधार का काम करता है। इस योग को करने से चेहरे का अतिरिक्त फैट कम होता है और यह झुर्रियों को रोकता है, साथ ही मांसपेशियों में कसावट लाता है। माउथ वॉश तकनीक। यह योग आपके लिए बहुत ही आसान है और आप कभी भी बैठे बैठे इसे कर सकते हैं। जैसे आप मुंह में पानी भरकर कुल्ला करते हैं, उसी तरह मुंह में हवा भर के गालों को हिलाएं। जब आप थक जाएं तो थोड़ी देर तक आराम करें और इस प्रक्रिया को फिर से 2-3 बार दोहराएं। माउथ वॉश तकनीक के फायदे। माउथ वॉश में सेटिल पाइरिडिनियम क्लोराइड होता है जो बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है और मार देता है। माउथ वॉश मुंह की बदबू को ख़त्म करने का जरिया है, लेकिन तभी जब इसकी वजह ओरल कैविटी तक सीमित हो, गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स जैसी बीमारी की वजह से। सांस में बदबू केवल माउथ वॉश के इस्तेमाल से नहीं रोकी जा सकती, इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है।